फैसलाबाद के इलाका बरकतपुरा में पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े मरीजों को तशखीस के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। कैंप में 300 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया, जिनमें ज्यादातर खवातीन शामिल थी जो कि अजलाती अमराज में मुब्तला थी। अभी ये हमने स्टार्ट की है वेलफेयर सोसाइटी, इसमें तकरीबन 300-350 मरीज हमने चेकअप किए हैं, फ्री अद्वियात दी गई हैं। इंशाल्लाह हर माह ऐसे ही लगता रहेगा, इसी तरह इनकी खिदमत करते रहेंगे हम। दौरान कैंप इंतजामिया की जानिब से आने वाले मरीजों के लिए बेहतरीन इंतजाम देखने में आए, जिनमें ठंडे पानी की फराहमी, बैठने के लिए वाफर कुर्सियाँ, पखे और वसी अरीज पंडाल शामिल है। कैंप में क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जेर निगरानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुसलसल बिना वक्फे के संजीदा उपचीदा अमराज के शिकार अफराद के इलाज मालजा का सिलसिला जारी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के तवस से आज कैंप लगाया था, जिसमें 250 से 300 मरीजों का चेकअप हुआ, जिसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग और जवान सब शामिल थे। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 डॉक्टर थे स्पेशलिस्ट जिनको बुलवाया गया था, और मेडिसिन फ्री दी गई है उनको सबको। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हैं, और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हर माह इसी तरह कैंप लगे और लोगों को फ्री अद्वियात दी जाएं। ये जो सा तिब्बी कैंप शुरू किया है, इसमें तकरीबन 300 से 350 मरीज आते हैं और उन्हें मुफ्त अद्वियात दी जाती है। और इंशाल्लाह ये अब शुरू किया है, दूसरी दफ़ा कैंप लगा है, और इंशाल्लाह हर माह ये लाजमी लगा करेगा इंशाल्लाह। इलाका मकीनों के मुताबिक मुफ्त तिब्बी कैंप खालिस्तन इंसानी खिदमत और इज्जत नफ्स की भरपूर बहाली जैसे जज्बे से सरशार इकदामात की बुनियाद पर कायम किया जाता है। शहरियों ने पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के इस अमल को खूब सराहा। सोसाइटी मेंबरान ने मुखय्यर हजरात से इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की पुरजोर अपील की है, ताकि दुखी और निचले तबके की हर आन मदद को यकीनी बनाया जा सके।